नाज़रीन आइए, आज मैं आपको सैलड बनाने की रेसिपी दूंगी जो कि बहुत मज़े की इस तरह रेडी की जा सकती है। ये थोड़ी टर्किश स्टाइल की सैलड है जो कि मैं आपको बताऊंगी। जो जो चीज़ें इसके अंदर ऐड करते हैं वो है, मैंने दो टमाटर लिए हैं, एक लेमन लिया है, हाफ लेमन ले लें और दो प्याज ले लें आप, थोड़ा सा कोरिएंडर, दो ग्रीन चिली ले लें और चीज़ें मैंने थोड़ा ली हैं। साथ ही मैंने ये अनार का जूस लिया है जो कि मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। ये ऑलिव ऑयल है और प्याज को मैंने, देखिए आप लोगों को दिखाने के लिए, इसकी कटिंग पहले से करके रख ली है। इस तरह से आपने इसकी कटिंग, देखिए मोटे मोटे थोड़े से रखने हैं, ज़्यादा बारीक भी नहीं और ज़्यादा मोटे भी नहीं। टमाटर भी आपने इसी तरह काट लेने हैं, हरा धनिया भी बारीक काट लीजिएगा और हरी मिर्चें। हाँ जी, देखिए मैंने सारा कुछ इस तरह से काट के प्याज भी और ये टमाटर भी और हरा धनिया भी इस तरह से मैंने काट लिया। अब ये जो लेमन है मैं इसके अंदर स्क्वीज करूंगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो लेमन आप लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी ये खट्टी मज़े की लगती है सैलड। इसके अंदर तकरीबन मैं बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी टेस्ट के लिए। ये देखिए इतना सा, बिल्कुल ये इतना सॉल्ट। फिर मैं ऑलिव ऑयल डालूंगी इसके अंदर, तकरीबन ऑलिव ऑयल का कोई वो नहीं, आप जितना मर्जी इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है और ये जो लेमन जूस है मेरे पास ये तकरीबन मैंने थोड़ा ज्यादा डालूंगी। अब आपने करेगी लेमन उतनी जल्दी खराब होगा। इस तरह से आप अपना पूरा लेमन सेव भी कर सकते हैं।